वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दूर, कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर, सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन एग्री इन्फॉर्मेटिक्स। सो माय नेम इज नीतीश कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। आज हम नेक्स्ट मेथड जो है स्टेप डिविजन मेथड, इसका यूज करके हम कंटिन्यूस सीरीज के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने कंटिन्यूस सीरीज के दो मेथड्स जो है डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखते हैं स्टेप डिविजन मेथड, इसका यूज करके हम कंटिन्यूस सीरीज को सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहली बात, तो स्टेप डिविजन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई एन ब्रैकेट मल्टीप्लाई द आई, जहां पर आई जो होता है वो गैप बिटवीन इंटरवल क्लास होता है एंड यहां पर इसको कर लेते हैं, ए इज अ एज्यूम एनी मिड वैल्यू, जो मिड वैल्यू रहेगा उसे एज्यूम कर लेंगे, एफ इज अ फ्रीक्वेंसी, एक्स इज अ इंडिविजुअल वैल्यू, एन इज अ नंबर ऑफ पर्सन, देन सिग्मा एफ एक्स इज अ सम ऑफ वैल्यू, एफ एक्स मीन्स ये एफ डी डेस, एफ डी डेस ही एफ एक्स है। सो ये जो है हमारा एग्जाम्पल है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे स्टेप डिविजन मेथड का यूज करके। क्योंकि जो स्टेप डिविजन मेथड होता है वो कब यूज किया जाता है, जब यहां पर फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है इसका वैल्यू जो है बड़ा हो, मतलब यहां पर 4, 8 ये स्मॉल वैल्यूज हैं, जब यहां पे बड़े नंबर्स दिए गए रहते हैं तब के केस में हम स्टेप डिविजन मेथड सॉल्व करते हैं, ताकि उसको जो बड़े नंबर्स है उसको रिड्यूस किया जा सके। सो यहां पर सबसे पहले हम क्लास इंटरवल जो है उसको एज इट इज यहां पर लिखेंगे, 0, 10, 10, 20 इस तरह से दिए हुए हैं, इसको लिखेंगे। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को इस वाले कॉलम में लिखेंगे एज इट इज यहां पर। उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, L1 प्लस L2 करते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं, जहां पर L1 इज अ लोअर बाउंड और L2 इज अ अपर बाउंड। तो इन दोनों के वैल्यू को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। सो इस तरह से आपके x की सभी वैल्यूज आ गए, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। अब हम फाइंड आउट करते हैं dx की वैल्यू। dx की वैल्यू में क्या होता है, यहां पर हम dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम a एज्यूम कर लेते हैं। जब a एज्यूम करेंगे तो a जो है आप एफ वाले कॉलम से, जो ये वाला एफ वाला कॉलम होता है यहां से आपको एज्यूम नहीं करना है, ए की वैल्यू जो होता है वो हमेशा बी जो एफ एक्स वाले कॉलम है यहां से आपको एज्यूम करना है। तो इस वाले कॉलम का मिड वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, मिड वैल्यू आपका 35 है, तो इस 35 को आप एज्यूम कर लिए ए का वैल्यू। अब यहां पर डी एक्स को मैंने अपना नाम दे दिया इस कॉलम का, ठीक है, आप अपने से कुछ भी नाम दे सकते हैं इस वाले कॉलम का। सो याद रहे ये वाले कॉलम का जो भी नाम देंगे वो इस वाले कॉलम से उसको क्या करेंगे, आई की वैल्यू लेके डिवाइड करेंगे। सो इस वाले के लिए देखते हैं, ए का वैल्यू 35 है तो हम 5 में माइनस करेंगे इस 35 को, तो 30 आएगा, मतलब एक्स वाला जो रो है उससे हम 35 को माइनस करते जाएंगे तो ये वाला वैल्यू जो है वो आते जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू जो है आ गए। अब डी डैश फाइंड आउट करेंगे, डी डैश क्यों फाइंड आउट करेंगे, चूंकि ये जो वैल्यू है वो काफी बड़े हैं, ठीक है, अभी तो छोटे नंबर है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है छोटा है, बट यहाँ पर अगर ये वैल्यू थाउजेंड्स में हो, लाख में हो, ठीक है, लाख में तो नहीं होगा, थाउजेंड में हो या हंड्रेड के फॉर्म में हो, 400, 800 इस तरह से, तो ये जो डी एक्स के जो ये कॉलम है इसके वैल्यू जो है वो काफी बड़े आएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे इसको 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सॉरी आई से डिवाइड करेंगे। अब आई इज इक्वल 10 लिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है इसका रेंज क्या है, 0 से 10 है, मतलब इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, 10 है, सभी नंबर्स में आपका जो गैप है वो 10 है, ठीक है।
तो इस 10 को हम आई का वैल्यू मान लिए और इस आई से हम क्या कर देंगे, ये वाला जो डी एक्स है ठीक है, इस वाले कॉलम का, इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप डिवाइड करने से सभी का जीरो कट जाएगा और जो नंबर्स है वो इस तरह से आ जाएंगे। अब इस तरह से लास्ट कॉलम है हमारा एफ एन टू डी डेस, जो फाइनल फॉर्मूला में जो अपन एफ डी डेस रखते हैं वो। तो एफ डी डेस का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो एफ वाला जो कॉलम है ये, इस कॉलम का हम डिवाइड कर देंगे ये डी डेस वाले कॉलम से ठीक है। तो इस तरह से 4 × -3 12, -12 आएगा, 8 × -2 -16, 11 × 1 -1 -11, इस तरह से ये वैल्यू आ गए। ये किसका वैल्यू है, एफ डी डेस का। सो यहाँ पर हम सिग्मा एफ डी डेस करेंगे, तो इसका वैल्यू को ऐड करके और इसके वैल्यू को ऐड करके हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो -2 इसका वैल्यू आ जाएगा और ये एफ है ठीक है। एफ के वैल्यू को पूरा क्या करेंगे, सम करेंगे, सम करने से हमारा सिग्मा एफ यानी कि एन का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से सिग्मा एफ कितना मिला, 16, और सिग्मा एफ डी डेस इज इक्वल -2, आई का वैल्यू 10 है, ए का वैल्यू 35 है। अब ये पूरे जो वैल्यू है उसको फार्मूला में पुट कर दो, ये फार्मूला है आपका, इस फार्मूले में आप पुट करेंगे और एक्स बार की वैल्यू आ जाएगा। अब हम इस फार्मूला को एज इट इज हम क्या करेंगे, एम एस एक्सेल में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आइए हम देखते हैं एम एस एक्सेल में हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एम एस एक्सेल ओपन करेंगे इस तरह से। अब एम एस एक्सेल में आप ओपन करेंगे तो जो क्लास इंटरवल है वो एज इट इज रहेगा, क्लास इंटरवल का जो कॉलम है वो क्या रहेगा, यहाँ पर एज इट इज रहेगा। उसके बाद एफ वाला जो कॉलम है वो भी यहाँ पर एज इट इज रहेगा, एफ वाला कॉलम गिवन रहेगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला लोअर जो लोअर केस होता है ठीक है, 0 + 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। इस तरह से आपका वैल्यू क्या आते जाएगा, यहाँ पर चेंज होते जाएगा, यहाँ पर 15 आएगा ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 25, उसके बाद 35, 45, 55, देन 65, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएंगे ठीक है। अदरवाइज अगर आपको दिक्कत होगा तो आप यहाँ पर L1 का वैल्यू पुट कर दो, वैसे यहाँ पर L1 का वैल्यू दोगे तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे यहीं पे रहने दो ठीक है। एक्स की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, ए एज्यूम करना है और डी एक्स फाइंड करना है। डी एक्स फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर ए इज इक्वल हम क्या पुट कर रहे हैं, ए इज इक्वल एज्यूम कर रहे हैं, ए इज इक्वल 35 एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए का वैल्यू हम 35 दे देते हैं, ए का वैल्यू क्या कर दिया, यहाँ पर 35 दे दिए। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो x की वैल्यू है इससे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इस वाले वैल्यू को। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद इक्वल का साइन रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये x कॉलम है इसको आप प्रेस कर देंगे, क्लिक कर देंगे माउस से, उसके बाद यहाँ पर माइनस साइन करेंगे, माइनस कर रहे हो किससे, a की वैल्यू से। अब a का वैल्यू यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हम पुट कर दिए हैं 35, इस 35 को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर क्या करना, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वल साइन, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद माइनस साइन, उसके बाद ये 35 साइन को क्लिक करेंगे ठीक है। उसके बाद चूंकि अब हमको क्या करना है, हमेशा जब अपन इसको स्क्रॉल करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होनी चाहिए, तो हम इसको डॉलर से क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, जिससे 35 जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी डॉलर और यहाँ पर भी डॉलर, तो इससे क्या हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा, और लॉक होने के बाद हमेशा ए की वैल्यू 35 रहेगा और इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होते जाएगी ठीक। एंटर करेंगे -30। अब देखो
इसको सेलेक्ट करने के बाद माउस से हम इसको इस तरह से क्लिक करेंगे, इस तरह से क्लिक करेंगे तो सभी का वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर हम लॉक नहीं करते, ठीक है, मान लो यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ डेमो इसका, मान लो हम इस तरह से इक्वल करते और ये ब्रैकेट 5 करते और माइनस सिंपल ये वाला वैल्यू कर देते और इस तरह से करते, तो ये वैल्यू तो आ जाता, लेकिन इसके बाद जब आप इस तरह से करते तो इस तरह से आपके वैल्यू चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इस वैल्यू को इस तरह से न ला के हमको क्या करना पड़ा, लॉक करना पड़ा। और लॉक करने के लिए आपने क्या यूज किए, इस तरह से डॉलर इस एच के सामने और ये 3 के सामने डॉलर, ठीक है, मतलब कि कॉलम और रो के सामने आप डॉलर प्रेस करोगे तो वो लॉक हो जाता है, तो इसीलिए हम लॉक करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डी डेस की वैल्यू, डी डेस, ठीक है। डी डेस का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला जो है, ठीक है, इस वाले कॉलम का हम डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से, तो क्या हो जाएगा, डी डेस की वैल्यू आ जाएगा। और 10 जो है वो क्या है, आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू हम कितना इनिशियलाइज किए हैं, यहाँ पे इस तरह से आप इसको वो कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज किया है, 10, क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल के बीच कितना है गेप, 10 का है, इस तरह से ये 10 ले लिए। अब देखो यहाँ पर हम डी डेस की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल साइन ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद इसका इस वाले जो कॉलम रो है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद ये जो आई की वैल्यू है, ठीक है, 10, इसको आप क्या किए, सेट किए। अब इसको क्या करना है, लॉक करना है। लॉक करने के लिए आप यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं, यहाँ से भी लॉक कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर डॉलर साइन शिफ्ट के साथ 4 प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपका डॉलर साइन आएगा 4 के पहले, तो ये हो गया डॉलर। अब 4 के बाद क्या कर दो, ब्रेकेट क्लोज एंटर, इस तरह से वैल्यू आ गया। अब आप इसको सेलेक्ट करके माउस से इसको ड्रैग कर लो, तो इस तरह से आपके सभी वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, इन सभी का वैल्यू चाहिए, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा, सॉरी अभी यहाँ पर एक और कॉलम बचा हुआ है, एक और कॉलम कौन सा बचा हुआ है, एफ डी डेस, ठीक है। एफ डी डेस में क्या हो जाएगा कि ये वाला जो कॉलम है इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो इस वाले कॉलम का भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, इक्वल ब्रैकेट ओपन करेंगे, किसका मल्टीप्लाई, एफ वाले कॉलम का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ये मल्टीप्लाई शिफ्ट के साथ 8 बटन प्रेस करने से आता है, फिर ये 3, ये वाला जो डी का है इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो E7 हो गया। अब ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये आ गया। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसलिए हम लॉक नहीं किए, अदरवाइज ये अगर फिक्स रहता तो हम लॉक करते, जो वैल्यू फिक्स रहता है उसको लॉक किया जाता है और जो वैल्यू फिक्स नहीं रहता उसको लॉक नहीं किया जाता। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी इस तरह से ले लेंगे और हम इसको सेंटर में ले लेते हैं इस तरह से। अब देखो इसके वैल्यूज आ गए, अब हम क्या करेंगे, इसके वैल्यूज को यहाँ पर एडिशन करेंगे, तभी क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डेस। देखो यहाँ पर हमको सिग्मा एफ डेस की वैल्यू लाना है, तो सिग्मा एफ डेस की वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबको पहले माउस से सेलेक्ट करो, उसके बाद ऐड सम मेथड का यूज करके इस तरह से -2 आ गया, ये किसका वैल्यू है, सिग्मा एफ डेस, ठीक है, सिग्मा किसका, एफ डी डेस की ये वैल्यू आ गई, तो ये सिग्मा एफ डी डेस की वैल्यू आ गई। उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ या इसी को एन भी कहा जाता है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सम करना है, देन ये आ गया आपका सिग्मा एफ। अब आप डायरेक्ट
इक्वेशन जो है उसमें आप पुट कर दो। इसका ये होता है आपका इस तरह से, इसको पहले कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं उसको कॉपी कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, x बार इज इक्वल a प्लस सिग्मा f d डेस, ये d डेस है सिग्मा और n है, n मतलब ये सिग्मा, ये वाला इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू जो है वो किसका है, आपका n का वैल्यू है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे i का वैल्यू। तो इस तरह से ये फार्मूला हो गया, और फार्मूला में हम सारे वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ये x बार है, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम फार्मूला में पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इक्वल साइन रहेगा, उसके बाद a का वैल्यू क्या है, फिक्स है, तो इस वाले a का वैल्यू को क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, ये ब्रैकेट हो गया, a का वैल्यू क्या हो गया, फिक्स हो गया 35 प्लस, उसके बाद यहाँ पर भी क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी डेस, सिग्मा एफ डी डेस का वैल्यू क्या है, -2 है, तो यहाँ पर आप -2 लिख दो, ये -2 है, एक मिनट, तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके ये वाली वैल्यू ये हो गया, उसके बाद डिवाइड बाई कर दो क्या n की वैल्यू, n की वैल्यू ये वाली है, तो ये 60 हो गया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, उसके बाद ये i का वैल्यू फिक्स है, क्लिक किए एंटर, सॉरी ये इस तरह से एक और ब्रैकेट ओपन होगा, ये क्लोज, ठीक है। अब एंटर करेंगे, सॉरी ये अभी तक नहीं आ रहा है, दो ब्रैकेट ओपन हो, हाँ अब आ गया, ये आपका आंसर आया 34.66। तो इस तरह से आपका पिछला वैल्यू भी कितना आया था, 30.66 से ही आया था, तो ये वाला वैल्यू भी आपका 34.66 आया। तो इस तरह से हम स्टेप डेविएशन मेथड सॉल्व करेंगे, ये स्टेप डेविएशन का है, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड वो कट कॉपी पेस्ट किया था इस वजह से, स्टेप डेविएशन, ये स्टेप डेविएशन मेथड है। तो इस तरह से आपका आउटपुट आएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। सो इस तरह से, थैंक यू फॉर वॉचिंग।